कांग्रेस ने तेज किया मोदी पर हल्ला बोल। सिब्बल ने कहा गुजरात में हुए प्रजापति एनकाउंटर की सीएम ऑफिस को थी जानकारी। सिब्बल ने सीबीआई पर भी उठाए सवाल, बोले मोदी से क्यों नहीं हुई पूछताछ। मोदी पर हमले का बीजेपी की तरफ से जवाब, मीनाक्षी लेखी ने कहा कांग्रेस परिवार दे जवाब, कैसे 1 लाख रुपए से बन जाते हैं 300 करोड़। जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट दिए जाने पर भी बवाल, दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर अकाली दल का प्रदर्शन। हरदोई में मोदी ने उठाया परिवारवाद का मुद्दा, कहा देश को मां बेटे की सरकार ने बर्बाद किया और यूपी को बाप बेटे की सरकार ने। बाप बेटे को तो बड़ी परेशानी, भाई बहनों देश को मां बेटे की सरकार ने बर्बाद किया है, उत्तर प्रदेश को बाप बेटे की सरकार ने बर्बाद किया। मोदी ने उठाया सवाल, यूपी में पुलिस से ज्यादा जनता के पास हथियार क्यों, कहा अक्षम सरकार के चलते जनता असुरक्षा के साए में जीने को मजबूर। मोदी ने कहा अमेठी में बेटे के लिए वोट की भीख मांग रही है सोनिया, जो बेटा अमेठी नहीं संभाल सका वो देश का संभालेगा। अरे देश को तो ऐसी सरकार चाहिए जो अमेठी भी संभाल सके और हिंदुस्तान भी संभाल सके, ऐसी माटी नहीं संभाल सकते, मां पाकर के कहना पड़ता है कि अमेठी वालों मेरे बेटे को जरा संभाल लेना। अरे जो अमेठी नहीं संभाल सकता वो हिंदुस्तान क्या संभालेगा। वाराणसी में नामांकन से पहले मोदी की साख को झटका, बिस्मिल्ला खां के परिवार ने प्रस्तावक बनने से किया इनकार। हमने यही उनसे कहा कि प्रस्तावक होता क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये वो न कहने लगे, हमको हम प्रस्तावक नहीं बने हुए। दिल्ली के फतेहपुरी मस्जिद के इमाम मुफ्ती मुकर्रम ने भी फैसले का किया स्वागत, का बिस्मिल्ला खां के परिवार ने सही किया। वाराणसी से मोदी के नामांकन के लिए संभावित प्रस्तावकों की सूची तैयार, पंडित छन्नूलाल मिश्र का भी नाम शामिल। पंडित छन्नूलाल मिश्र ने कहा मेयर ने आकर बताया मोदी आपको बनाना चाहते हैं प्रस्तावक, कोई निजी पसंद नहीं, सोनिया और मुलायम बुलाए तो भी जाऊंगा। तो मेयर साहब हमारे पास शुक्रवार को आए, आगे कहे पंडित जी वो मोदी जी की इच्छा है कि आप उनका वो नामांकन में साथ दें। हमने कहा भाई देखिए मैं कलाकार हूँ, मैं सबका हूँ, सब मेरा है, अगर सोनिया गांधी का आदमी आया होता वो गाड़ी भेजी होती तो हम उनके यहाँ चले जाते पहले। सूची में पंडित मदन मोहन मालवीय के परिजन भी शामिल, निषाद नाविक भी हो सकते हैं प्रस्ताव। मोदी के प्रस्तावकों की सूची में काशी का पप्पू चाय वाला, 75 साल से बनारस में है चाय की दुकान। मोदी के प्रस्तावकों में 2 स्थानीय बुनकर भी शामिल, एक हिंदू जबकि दूसरा है मुसलमान। 24 अप्रैल को वाराणसी में पर्चा भरेंगे नरेंद्र मोदी, मोदी के नामांकन भरने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। मोदी के नामांकन भरने की तैयारियों का जायजा लेने वाराणसी पहुंचे अमित शाह, स्थानीय नेताओं के साथ की मुलाकात। मोदी के स्वागत के लिए शुरू हुई तैयारियां, बनारस की फूल मंडी में दिए गए हजारों किलो के एडवांस ऑर्डर। काशी में जमकर हो रही है नमो की मार्केटिंग, बनारसी साड़ियों की पैकिंग पर भी मोदी का जलवा। वाराणसी के ईंट भट्टे में तैयार की जा रही है नमो ईंटें, मोदी समर्थक ने दिया 1 लाख नमो ईंटों का ऑर्डर। वाराणसी में मोदी के लिए वोट मांग रहे औघड़ सन्यासी, सुबह 4 बजे से शहर में घूम घूम कर लोगों से करते हैं अपील। ओसामा की शक्ल वाले खालिद नूर भी मोदी के खिलाफ ठोकेंगे ताल, वाराणसी से लड़ेंगे चुनाव। कभी लालू पासवान के साथ हुआ करते थे खालिद नूर, अब मोदी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव, मुख्तार अंसारी से मांग सकते हैं समर्थन। बीएचयू के प्रोफेसरों ने तैयार किया काशी के विकास का मॉडल, मोदी के लिए तैयार कराया जा रहा है रोड मैप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी सभा में मोदी पर आपत्तिजनक भाषा में हमला, जेडीयू नेता शकुनी चौधरी ने कहा नरेंद्र मोदी को जिंदा गाड़ देंगे, भागलपुर से वापस नहीं जाएंगे मोदी।
भागलपुर के नाथनगर में हो रही थी जेडीयू की सभा। कहकशा परवीन ने गिरिराज सिंह के बयान पर जताई आपत्ति, कहा हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान हमारा। ऐसा बयान देश तोड़ने वाला। राशिद अलवी ने कहा तोगड़िया को अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। तोगड़िया ने की थी अपील, ज्यादा से ज्यादा हिंदू वोट दें। गाजीपुर में अमित शाह का दावा, मोदी की है लहर, पूर्वी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर होगी जीत। एटा में मोदी ने कल्याण सिंह के बेटे राजवीर के लिए मांगा वोट, कहा विरोधी सच कह रहे हैं, मोदी की लहर नहीं जहर, लेकिन ये जहर देश लूटने वालों के लिए। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में राहुल ने की रैली, राहुल ने कहा देश में बनेगी यूपीए 3 की सरकार। राहुल बोले कांग्रेस की नई सरकार मेड इन चाइना से मुक्ति दिलाएगी, कहा कोशिश होगी तमिलनाडु और देश के लोग मेड इन तमिलनाडु का ब्रांड इस्तेमाल करें। अभिनेत्री और कांग्रेस नेता नगमा ने मोदी पर निशाना साधा, कहा जब केंद्र में सरकार नहीं तो उनकी भाषा तानाशाहों जैसी, अगर सरकार बन गई तो फिर क्या करेंगे मोदी। वाराणसी में केजरीवाल को मिला नया आशियाना, कबीर नगर के घर में शिफ्ट हुए आम आदमी पार्टी के नेता। संकट मोचन मंदिर में रह रहे थे केजरीवाल, लोगों की आपत्ति के बाद दूसरे घर में हुए शिफ्ट। संकट मोचन मंदिर के महंत विश्वंभर मिश्र का बयान, मेहमान बनकर आए थे केजरीवाल। और इसमें हमको नहीं लगता है कि किसी समय पूछना पड़ेगा कि हमारे यहाँ कौन अतिथि रहेगा कौन नहीं रहेगा, वो एक अतिथि की तरह आए थे, हम लोग का कोई पॉलिटिकल उनसे लेना देना, और मैं व्यक्तिगत तौर पे भी उन्हें नहीं जानता था। 23 अप्रैल को वाराणसी से पर्चा भरेंगे केजरीवाल, मोदी के खिलाफ आजमा रहे हैं किस्मत। बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग जाएगी बीजेपी, केंद्रीय मंत्री ने मोदी के खिलाफ दिया है आपत्तिजनक बयान। बेनी बाबू का मोदी पर तीखा हमला, बोले 18 साल की उम्र में बड़ा क्राइम करके घर से भागे थे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार। नरेंद्र मोदी खुद एक बहुत बड़ा क्राइम करके घर से भागे थे 18-20 साल की उम्र में। गो फॉर कैंपेन। बीजेपी ने उठाई बेनी प्रसाद की उम्मीदवारी खारिज करने की मांग, कहा माफी मांगे केंद्रीय मंत्री। शशि थरूर के खिलाफ भी चुनाव आयोग से शिकायत करेगी बीजेपी, केंद्रीय मंत्री ने मोदी को बताया ब्लीडिंग लीडर। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के बयान पर एफआईआर, आईपीसी की 10 धाराओं के तहत देवघर में मामला दर्ज। चुनाव आयोग तक पहुंचा गिरिराज सिंह का मामला, कांग्रेस ने दर्ज कराई शिकायत का बयान के लिए भेजा जाए जेल। कांग्रेस ने उठाए सवाल, पूछा बीजेपी को नहीं मिला आज तक बहुमत तो क्या देश के ज्यादातर लोग पाकिस्तान के समर्थक हैं? तो बीजेपी को तो आज तक देश की जनता ने कभी पूर्ण बहुमत नहीं दिया, तो इनका इसका मतलब है कि जो बहुसंख्यक है इस देश का, जो भाजपा को वोट नहीं देता है, वो सभी पाकिस्तानी बोल रहे हैं उनको। गिरिराज सिंह ने देवघर में दिया था विवादित बयान, मोदी विरोधियों को पाकिस्तान का समर्थक बताया था। जो लोग पाकिस्तान परस्त वही लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं, जो लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेके। बैकफुट पर है बीजेपी, लेकिन बयान पर कायम है गिरिराज सिंह, बोले गलत मतलब निकाला गया। दिल्ली हाईकोर्ट के लिए ऐतिहासिक दिन, पहली महिला चीफ जस्टिस गोरला रोहिणी ने ली शपथ। सुबह करीब 10 बजे उपराज्यपाल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ, सुबह से कोर्ट में थी चहल पहल। पदभार संभालने के बाद जस्टिस रोहिणी ने कहा महिलाओं से जुड़े मुद्दे उनकी प्राथमिकता। It reflects the empowerment and development, women development. And I feel I'll do my best for the upliftment of the women.
जस्टिस रोहिणी ने 1980 में की थी करियर की शुरुआत, पत्रकार के तौर पर भी कर चुकी काम। हिसार के नानौद में सतरौल खाप ने तोड़ी 650 साल पुरानी रूढ़ीवादी परंपरा। सतरौल खाप के लोगों को अपना गांव और गोत्र छोड़कर शादी करने की मिली छूट। सतरौल खाप ने शादियों में आ रही अड़चन के मद्देनजर लिया फैसला, 7 सदस्यीय कमेटी के फैसले पर कुछ लोगों ने जताया ऐतराज। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तेंदुए ने मचाया आतंक, शिकार की तलाश में तेंदुआ जानवरों के तबेले में घुसा, पकड़ने पहुंची वन विभाग की टीम पर किया हमला। सुबह करीब 4 बजे ग्रामीणों ने तेंदुए को देखा, काफी मुश्किल से काबू में आया तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने बेहोश कर तेंदुए को पकड़ा, पिंजरे में बंद तेंदुए को जंगल में छोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात, 13 साल की नाबालिग से चलती बस में गैंगरेप के बाद दरिंदों ने पीड़ित को चलती बस से फेंका, लड़की गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। आरोपी बस चालक पुलिस की गिरफ्त में, बाकी आरोपियों की पुलिस कर रही है तलाश। दिल्ली से सटे गुड़गांव में महिला से गैंगरेप, होटल में नशीली चीज खिलाकर 2 युवकों ने बनाया हवस का शिकार। 31 साल की पीड़ित रोहिणी की रहने वाली अच्छे स्कूल में बच्चे के दाखिले को लेकर युवकों के संपर्क में आई थी महिला। मध्य प्रदेश के दतिया में दर्दनाक हादसा, नदी में नाव डूबने से 6 लोगों की मौत, बाकी लोगों की तलाश अब भी जारी। नाव पर करीब 25 लोग थे सवार, क्षमता से अधिक लोगों के कारण पलटी नाव। हादसे के बाद प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद, गोताखोरों के जरिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली से सटे नोएडा में तेज रफ्तार का कहर, डंपर और कार की टक्कर में 4 लोगों बुरी तरह घायल। नोएडा के सेक्टर 21-25 चौराहे पर हुआ हादसा, घायलों में 2 महिलाएं भी शामिल। सुब्रत रॉय की रिहाई के लिए सहारा ने दिया नया प्रस्ताव, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, नया प्लान पेश कर सकता है सहारा। तिहाड़ में बंद है सहारा प्रमुख, सहारा ने 3 किश्तों में जमानत राशि जमा करने का रखा प्रस्ताव, तब तक तिहाड़ में बंद रहेंगे सहारा प्रमुख। दिल्ली के सरिता विहार मेट्रो स्टेशन पर एक लड़की ने की खुदकुशी की कोशिश, सीआईएसएफ के जवान ने बचाई जान। दिल्ली में मामूली बात पर फायरिंग, जनकपुरी में आर्मी के सूबेदार के बेटे ने युवकों पर चलाई गोली। दिल्ली से सटे गुड़गांव में ऑनर किलिंग का मामला, परिजनों पर 21 साल की छात्रा की हत्या का आरोप। गुड़गांव में एक बड़ी दुकान में आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 2 घंटे तक की भारी मशक्कत। यूपी के अमरोहा में दलित युवती से बलात्कार की कोशिश, समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों पर आरोप। 14 अप्रैल की वारदात, पुलिस ने मामला दर्ज करने में किया आनाकानी, तो पीड़ित लड़की के पिता ने की खुदकुशी। दिल्ली के रोहिणी में एक पुलिस वाले पर हमला, क्राइम ब्रांच में बतौर हेड कांस्टेबल तैनात है मोहनलाल। 10 से 11 की तादाद में थे हमलावर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें अब तक 3 हिरासत में।